दोस्तों आपने 1999 में आई फिल्म दाग द फायर देखी होगी ना, जो एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसका निर्माण निर्देशन राज कंवर ने किया, जिनकी मेहनत से बॉक्स ऑफिस पर सफल हो गई। साथ ही इस फिल्म में जितने कलाकारों ने काम किया अपने किरदारों को बखूबी निभाया, लोगों से तारीफें हासिल की। लेकिन दोस्तों इन कलाकारों के बारे में तो आप सब जानते हैं, क्या इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में जानते हो, जो अपने पार्टनर से बड़ा प्यार करते हैं उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के टॉप 5 कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से मिलवाएंगे। तो चलिए देर किस बात की शुरू करते हैं। नंबर 5, संजय दत्त। इस फिल्म में संजय दत्त ने कैप्टन करण सिंह का किरदार निभाया, जिससे पता चलता है कि उसके पिता ने आत्महत्या की थी। जब उन्हें एक अपराध में दोषी पाया गया जो उन्होंने किया ही नहीं था, इसलिए वो अपने पिता का बदला लेने के लिए असली अपराधी को मारने की शपथ लेते हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी रियल लाइफ पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम मान्यता दत्त है, जिनसे इन्होंने 2008 में शादी की। आज इनके 2 बच्चे हैं, बेटी इकरा और बेटा सारन। आपको बता दें ये एक बिजनेस वूमन है, साथ ही संजय दत्त की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की सीईओ भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मान्यता से शादी करने से पहले इन्होंने 2 शादियां की, जिसमें सबसे पहली शादी अभिनेत्री ऋचा शर्मा से, जिनसे इन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम त्रिशाला दत्त है। पर शादी के कुछ सालों बाद ही बीमारी के चलते इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इन्होंने रिया पिल्लई से शादी की, इनके साथ भी ज्यादा रिश्ता चला नहीं, तलाक हो गया। नंबर 4, सुषमा सेठ। सुषमा सेठ ने इस फिल्म में ताई का किरदार निभाया था, जो काजल का ख्याल रखती है, उन्हें हर परेशानी से बचाती है। इस किरदार को उन्होंने अच्छे से निभाया था और दर्शकों को यह किरदार बड़ा पसंद भी आया था। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पति की, तो इनके पति का नाम ध्रुव सेठ है, जिनसे इन्होंने काफी सालों पहले शादी की। आज इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम दिव्या सेठ है। पर शादी के कुछ सालों बाद बीमारी के चलते इनके पति की मृत्यु हो गई। नंबर 3, राज बब्बर। इस फिल्म में मिस्टर सिंघाल का किरदार अभिनेता राज बब्बर ने निभाया था, जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, जिन्हें इन्होंने काफी अच्छे से निभाया। अगर बात करें इनकी रियल लाइफ पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम स्मिता पाटिल है, जिनसे इन्होंने 1984 में शादी की। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम प्रतीक है। शादी के 2 साल बाद इनका तलाक हो गया। आपको बता दें इनकी पत्नी एक अभिनेत्री रही, जिन्होंने अर्थ, भूमिका, नमक हलाल और मिर्च मसाला जैसी मूवी में काम किया। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इन्होंने स्मिता से शादी करने से पहले अभिनेत्री नादिरा बब्बर से शादी की, पर उनके साथ इनकी शादी ज्यादा नहीं चली, दोनों अलग हो गए। नंबर 2, महिमा चौधरी। इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री काजल वर्मा का किरदार अभिनेत्री महिमा चौधरी ने निभाया, जो रवि की पत्नी होती है, जिनकी शादीशुदा जिंदगी में कई परेशानियां होती है, जिसका एडिट कर सामना भी करती है। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पति की, तो इनके पति का नाम बॉबी मुखर्जी है, जिनसे इन्होंने 2006 में शादी की थी। आज इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम अरियाना चौधरी है, पर इनकी शादी ज्यादा नहीं चली, 7 साल बाद हो गया तलाक। आपको बता दें इनके एक्स पति पेशे से एक आर्किटेक्ट थे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। नंबर 1, चंद्रचूड़ सिंह। फिल्म के मुख्य अभिनेता रवि कुमार का किरदार अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने निभाया, जिसे कैप्टन करण अपने पिता का कातिल मानता है और उसे सजा दिलाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करता है। पर रवि निर्दोष होता है और आखिरकार कैप्टन करण उसे छोड़ देता है। अगर बात करें इनके रियल लाइफ पत्नी की, तो इनके पत्नी का नाम अवंतिका सिंह है, जिनसे इन्होंने 2013 में अरेंज मैरिज की। आज इनका एक बेटा भी है जिसका नाम श्रंजय सिंह है। आपको बता दें इनकी पत्नी एक हाउसवाइफ है और घर पर ही अपने परिवार का ध्यान रखती है। तो दोस्तों आपको इन सभी कलाकारों में किस कलाकार की जोड़ी इनके रियल लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी लगी, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता देना। साथ ही टीवी से जुड़ी ऐसी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।